नमस्कार, मैं आकाश पंडित आप सभी का एक बार दोबारा से अपने इस खास कार्यक्रम मैं भी हूं मैदान में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ वार्ड नंबर एक से समाजवादी पार्टी पद से प्रत्याशी प्रीति पाठशाह जी जुड़ चुकी हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह के मुद्दों के साथ में ये चुनाव मैदान में उतरी हैं। प्रीति जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। किस चुनावी मुद्दों के साथ में आप चुनाव मैदान में उतरी हैं? जी, मेरा नाम प्रीति है, प्रीति पाठशाह है। हमारे जो वार्ड नंबर एक है उसमें सड़कों की समस्या कुछ ज़्यादा है और पानी की समस्या ज़्यादा है, इसीलिए चुनाव में उतरा हूँ। अभी आपने बताया कि सड़क की और पानी की व्यवस्था यहाँ पे बहुत ख़राब है, तो क्या जो पहले प्रत्याशी रहे हैं क्या उनके मतलब जो पहले पार्षद रहे हैं उन्होंने कोई इस पे कोई काम नहीं करा था? जी नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं करा। कितना विकास हुआ है आपसे पहले आपके क्षेत्र में? कुछ भी नहीं, बहुत समस्या है हमारे उसमें वार्ड में। अच्छा प्रीति जी, आप युवा हैं, आप जो राजनीति में आई हैं क्षेत्र का विकास करने के लिए, क्या क्या सोच करके आप राजनीति में आए हैं, क्या मतलब आपके? जो मेरे हस्बैंड हैं वो शुरू से ही राजनीति में रहे हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हैं इसलिए मैं अपना योगदान दूँगी। अच्छा, क्या अपील आप जनता से करना चाहेंगी ताकि जो वो आपको वोट? मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि 29 तारीख को मुझे भारी मतों से वोट करने की अपील करना चाहूँगी। हमारे साथ उनके पति सचिन पाठशाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उन मुद्दों के साथ में उन्होंने अपनी पत्नी के चुनाव मैदान में उतारा है। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। किन मुद्दों के साथ में आपने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा? देखिए, पहले तो मैं सर्वप्रथम माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पार्षद का टिकट दिया, उसके लिए मैं पूरे वाल्मीकि समाज की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी के लिए। और जो मेरे मुद्दे हैं वो जो जनता जो त्रस्त है, जो हमारी जो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, वहाँ से उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। जितने काम हैं माननीय अखिलेश यादव जी के काम हैं वो उन्हीं कामों का लोकार्पण करते हुए आ रहे हैं। अभी तक जो ये सरकार हुई है केंद्र की सरकार, अभी भी उनकी कोई भी योजना धरातल पर नहीं है। जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया है उस काम को अभी तक आगे कोई नहीं कर सकता। अभी आप बोल रहे हैं कि जब कोई काम नहीं हुआ है, तो उससे पहले तो 5 साल आपकी समाजवादी पार्टी की खुद की सरकार रही है, आप खुद भी उसमें वरिष्ठ नेता में आते हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि आपकी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितना माननीय अखिलेश यादव जी ने काम कर दिया पूरे प्रदेश में, आने वाली सरकारें इतना काम नहीं कर पाएंगी। अच्छा, अगर आपकी पत्नी अगर वो जीत जाती है, क्या काम ऐसे हैं जो कि पहले से नहीं हुए हैं और जो लगातार होने चाहिए थे? देखिए, हमारा जो वार्ड नंबर एक जो परिक्षेत्र है उसमें पूनम विहार कॉलोनी, वसंत विहार कॉलोनी, वहाँ पर 3-3 फीट पानी भर जाता है सड़कों का, जहाँ पर स्कूली बच्चों के लिए निकलने के लिए बहुत ज़्यादा समस्याओं के सामना करना पड़ता है। साथ में वहाँ पर ना बिजली के खंभे हैं, बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। आज भी अभी जनसंपर्क कर रहा था पूनम विहार, उसमें तिगरी जो हमारा वार्ड नंबर एक परिक्षेत्र में आता है, वहाँ पर आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर खंभों पर लाइटें नहीं हैं और जो सड़कें नहीं हैं। मेरा अगर हम लोग अगर यहाँ से जनता अगर हमारे ऊपर आशीर्वाद रखती है, तो मैं सबसे पहले सर्वप्रथम मेरा एक यही उद्देश्य रहेगा कि सबसे पहले मुझे वार्ड नंबर एक की जितनी सड़कें हैं वो सारी सड़कें मुझे बनवानी हैं। ये थे सचिन पाठशाह जो कि हस्बैंड है, वार्ड नंबर एक से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब देखना होगा किस तरह से 29 तारीख को वोट डलते हैं और इनको कितने वोट मिलते हैं। बने रहिएगा हमारे इस खास कार्यक्रम में मैं भी हूँ मैदान में।